नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टेट स्पेसिफिक आईडी क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब आप अपना ई श्रम कार्ड बनाने के लिए ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं तो दोस्तों आपसे वहां पर आपकी स्टेट स्पेसिफिक आईडी मांगी जाती है। और दोस्तों, कई दोस्तों के कॉमेंट भी आ रहे थे कि स्टेट स्पेसिफिक आईडी क्या है। तो दोस्तों, स्टेट स्पेसिफिक आईडी का मतलब है कि एक कोई ऐसी आईडी जिससे ये सिद्ध होता हो कि आप उस राज्य में कई सालों से रहते आ रहे हैं और आप उस राज्य के निवासी हैं। जैसे कि दोस्तों, हम राज्यों की बात करें तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य में फैमिली आईडी कार्ड बना दिए हैं। जो भी दोस्तों हमारे हरियाणा के हैं वो अपनी स्टेट स्पेसिफिक आईडी पर अपने फैमिली आईडी का नंबर डाल देंगे। अगर दोस्तों हम हरियाणा से अलग अदर किसी राज्य की बात करें, जैसे यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और किसी राज्य की बात करें, तो दोस्तों वहाँ पर आप, जैसे मैंने पहले बताया कि आप ऐसी कोई आईडी जिससे सिद्ध होता हो कि आप उस राज्य में कई सालों से लगातार रहते आ रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप वहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। चाहे दोस्तों आप कहीं किसी भी राज्य के हों, जैसे यूपी किसी भी राज्य के हों, आप वहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों जिन राज्यों में फैमिली आईडी कार्ड बन गए तो दोस्तों वो तो फैमिली आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे, लेकिन दोस्तों जिन राज्यों में अभी तक फैमिली आईडी कार्ड नहीं बना है वो दोस्तों अपना राशन कार्ड नंबर डाल देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।